हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू सेकंड चैप्टर ऑफ फिफ्थ क्लास। हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में रीड कर लिया था, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में रीड करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं? जिसमें हमारे एक्शंस होते हैं, ठीक है, हमारी फीलिंग्स, हमारे आइडियाज़ और हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम ना ही तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम फील करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की जो स्टेट्स होती हैं वो भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो ये क्या है, इन्हें ऐसे नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जैसे हमारा एंगर हो गया, गुस्सा, ठीक है, ब्रेव क्वालिटी होगी हमारी कि हम बहादुर हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो ये हमारी क्वालिटीज़ हैं। तो इस प्रकार के जो नाउन हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। देखो, अराइवल, मूवमेंट, डिपार्चर, अपियरेंस, तो ये एक्शंस हैं। अराइवल पहुँचना, मूवमेंट हिलना, ठीक है, डिपार्ट होना कहीं किसी स्थान से, अपीयरेंस प्रकट होना, तो ये हमारे एक्शंस हैं। तो उसके बाद क्वालिटीज़ को देखिए, तो ट्रूथ, विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, तो ये हमारी क्वालिटीज़ हैं। तो इस प्रकार के जो एक्शन वर्ड्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। अब देखो, जो एडजेक्टिव होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे एब्सेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, बट एब्सेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक तो देखो एंगर, एक तो नाउन, एक तो संज्ञा होगी, एक विशेषता, विशेषण होना विशेषता हो जाती है एडजेक्टिव में, ठीक है। जैसे एंगर को, गुस्से को एंगर कहते हैं, जो व्यक्ति को नॉर्मली किसी बात पे आ जाते हैं तो उसे एंगर कहते हैं, ये एक नाउन है, ठीक है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एंग्री होना, गुस्सा हो जाना, ठीक है, ये एक्शन है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्रॉड और ब्रीथ, तो ये नाउन्स और एडजेक्टिव में थोड़ा होता है, जो फ़र्क होता है वही इसमें दिखाया गया है। ट्रू, ट्रूथ, लॉन्ग, लेंथ, विड, वाइड, विड, हाई, हाइट, फॉल्स, फॉल्सहुड, गुड, गुडनेस, काइंड, काइंडनेस, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, वाइज, विजडम, फुलिश, फुलिशनेस, कनिंग, कनिंगनेस, यंग, यूथ एंड वीक, वीकनेस। तो ये सभी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं, ऐड करना मतलब जोड़ना उसमें होता है, एडिशन, ठीक है, कंफ्यूज, कंफ्यूजन, क्रिएट, क्रिएशन, डिसाइड, डिसीजन, डायरेक्ट, डायरेक्शन, डिवाइड, डिवीजन, और फॉर्म, फॉर्मेशन, वकेट, वकेशन, डिपेंड, डिफेंस, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन, फ्लाई, फ्लाइट, सर्व, सर्विस, डेकोरेट, डेकोरेशन, एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेशन, रिजेक्ट, रिजेक्शन, प्रमोट, प्रमोशन, तो इस प्रकार किया है। और कॉमन नाउन से कैसे हैं, कॉमन नाउन, अब चाइल्ड है, चाइल्डहुड, किंग, किंगशिप, फादर, फादरली, मदर, मदरहुड, इन्फेंट, इन्फेंसी, बॉय, बॉयश, हीरो, हीरोइज्म, आर्कर, आर्करी, रोबर, रोबरी, थीफ, थेफ्ट। उसके बाद में देखो मटीरियल नाउन्स, मटीरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटीरियल्स एंड सब्सटेंस, जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, और मटीरियल्स जो धातु होती है, जिसमें सभी प्रकार की धातु होती है, धातु जैसे जो धातु वाली चीज़ होती है, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है, मटीरियल नाउन्स हैं। जैसे कि इसमें दे रखी हैं, मिल्क, फूड, गोल्ड, एयर, वाटर, आयन, सिल्वर, कोल, सिल्क, वूल, कॉटन, लाइनेन, सॉयल, सुगर, टीन, कॉपर, क्ले, सोप, राइस, व्हीट, बाले, नायलॉन, जिंक, बटर, तो ये क्या सब्सटेंस और मटेरियल हैं। तो ये क्या, इस प्रकार के जो नाउन्स हैं वो मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स, देखो कलेक्टिव नाउन्स में कोई चीज़ एक ना हो कि उसमें समूह होता है, ठीक है, ग्रुपिज्म होती है, तो उसमें ग्रुप होता है, चाहे वो लोगों का हो, चाहे एनिमल्स का हो, या प्लेसेस का हो, यानी थिंग्स का हो, ठीक है, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जहाँ पे एक चीज़ ना हो के बहुत सारी चीज़ों का, मतलब उन्हीं चीज़ों का ग्रुप हो, तो उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, अ कलोनी ऑफ हाउसेस, हाउस के कलोनी, जहाँ पे एक कलोनी होती है वहाँ पे बहुत सारे हाउसेस होते हैं, तो हो गया अ कलोनी ऑफ हाउसेस, अ ग्रुप ऑफ प्लेसेस हो गया। बाद में अ शॉल ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया। अ बंच ऑफ कीज, एक की है तो की कहेंगे, बट
अगर बंच होता है, गुच्छा होता है कीज का, तो बंच ऑफ कीज कहेंगे। तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गए, जिसमें एक की ना हो के बहुत सारी कीज हैं, समूह है कीज का। तो इस प्रकार ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कुछ एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैच एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ बीवी ऑफ लेडीज, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बॉक्स ऑफ सिगार्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ कारवन ऑफ ट्रेवल्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट भी इसी प्रकार है। अब देखो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन तो वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, हम कह सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, तो वो तो काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। बट जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते, इस प्रकार की दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं हम यहाँ पे। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स ऐसे थिंग्स होती हैं जो काउंट की जा सकती हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म होती है काउंटेबल नाउन की, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि ज़्यादा प्लूरल फॉर्म में ही होंगे काउंटेबल्स जो होंगे, ठीक है। सिंगुलर में भी हो सकती हैं, बट प्लूरल फॉर्म होती है मोस्टली। काउंटेबल नाउन्स टेक ए एन द एंड द एनी। तो जो आर्टिकल ई एन और डिटर्मिनर्स आते हैं इसमें, ठीक है, ई एन द और एनी का यूज़ होता है उनसे पहले। और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड। कांट बी काउंटेड मतलब काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट आ गया। दे आर यूजली रिटन इन सिंगुलर, वो सिंगुलर में ही रिटन होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द सम मच, अ लिटल एंड अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। इस प्रकार जो उनसे पहले सम आ जाता है, मच आता है, ठीक है, अ लिटल आता है, लार्ज अमाउंट आता है। तो अब देखो यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दे रखे हैं। जैसे फ्लावर हैं तो 3 फ्लावर्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं। स्टार हैं, 3 स्टार्स हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं। 1 लीफ है, फिश एंड लीफ एंड मैंगो, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। पर देखो मिल्क को, वाटर को, शुगर को एंड यहाँ पे क्या है पता नहीं क्या है इसका नेम, ऑयल को, सोयल को, तो इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है। जो सारी वैसे मटेरियल नाउन्स होती हैं, ठीक है, वो अनकाउंटेबल होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे कल।